हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 7th संस्कृत सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 1 है प्रहेली काहा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पजल्स या फिर रिडल्स। आज हम इस चैप्टर की फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो ऑप्शन मिले हैं, दोनों में से एक आंसर है। फर्स्ट, वृक्षाग्रवासी कह अस्ति, नारिकेलह वृक्षाग्रवासी अस्ति। नारिकेलह यानी कोकोनट वृक्ष पर वास करता है। सेकंड, का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति, ऐसी कौन सी चीज है जिसका शरीर देह नहीं होता है, तो छोटी का यानी चुटकी। क्वेश्चन नंबर 3, का कृष्णमुखी अस्ति, कृष्णमुखी यानी काला कलर का जिसका मुख है, आंसर आएगा लेखनी, फाउंटेन पेन। कह पर पादेन गच्छति, पाद रक्षक पर पादेन गच्छति, पाद रक्षक यानी शूज। इस चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 5, कस्तूरी कस्मात जायते, आंसर कस्तूरी मृगात जायते, मृगात मृग यानी हिरण, कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में होती है। कस्तूरी एक पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 2, मैच ए विथ बी एप्रोप्रिएटली, यहाँ पे हम मैच करेंगे त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी नारी के लह कोकोनट के ऊपर तीन बिंदु होते हैं जिसको तीन नेत्र यानी आइस के साथ कंपेयर किया जाता है। सेकंड, नर नारी समुत्पन्नाहा, नर और नारी से उत्पन्न हुआ है छोटी काहा, छोटी का यानी चुटकी, हमारी दो उंगली से चुटकी आवाज उत्पन्न होती है। नंबर 3, पंचभत्री, पंचभत्री यानी जिसके पांच पति हैं, आंसर आएगा लेखनी, लेखनी यानी फाउंटेन पेन, हमारी जो पांच उंगलियां हैं वो उसके पति है, ऐसा कंपेयर किया गया है। शिला बक्षी ही, शिला शिला यानी पत्थर, पत्थर को तोड़ने वाला कौन है पैरों से चल के, तो पाद रक्षक यानी जूते। नंबर 5, कातरह युद्ध, कातरह यानी कायर, जो कायर होते हैं युद्ध में क्या करते हैं, भाग जाते हैं, आंसर आएगा पलायनम करोति। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेम अदर वर्ड्स बाय फॉलोइंग द इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल में दिखाए हैं उसी तरीके से हमको आंसर बनाने हैं। एग्जाम्पल है वृक्षवासी, आंसर आएगा वनवासी, गृहवासी, स्वर्गवासी, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शूल पाणी ही, आंसर चक्र पाणी ही, शस्त्र पाणी ही, शंख पाणी ही, कमल पाणी ही। सेकेंड, त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र को धारण करने वाले, आंसर श्वेत वस्त्रधारी ही, श्वेत यानी सफेद, सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले। गौर मुखधारी ही, रक्त मुखधारी ही, हास्य मुखधारी ही। थर्ड, शिला भक्षी, आंसर वात भक्षी, फल भक्षी, अन्न भक्षी, सर्प भक्षी। नंबर 4, दंतहीन, आंसर नेत्रहीन, वाणीहीन, बुद्धिहीन, गुणहीन। क्वेश्चन नंबर 4, यूज आस्ति नास्ति एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इलुस्ट्रेशन। एग्जाम्पल में दिखाया गया है आस्ति और नास्ति दोनों का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, आंसर वृक्षाग्रवासी अस्ति किंतु पक्षीराज नास्ति, वृक्ष पे वास करता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, तो वो कौन है, नारी के लह। इसी तरीके से हम पांच सेंटेंस बनाएंगे। त्रिनेत्रधारी न च शूल पाणी ही, आंसर त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूल पाणी ही नास्ति। सेकेंड, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी ही, आंसर त्वग वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्ध योगी नास्ति। कृष्णमुखी न च मार्जारी, कृष्णमुखी अस्ति किंतु मार्जारी नास्ति। इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने बनाया हुआ है जिसमें एक एक श्लोक को डिटेल में समझाया है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 4, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, द्विजिह्वा अस्ति किंतु सर्पिणी नास्ति। फिर पंचभत्री ही न च पांचाली, पंचभत्री अस्ति किंतु पांचाली नास्ति। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रिडल्स पजल्स विच आर यूज्ड इन योर रीजियन एंड प्रेजेंट देम इन योर क्लास,
आपके रीजियन से यानी आपका जो एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं उसके मुताबिक आप अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से पजल्स बनाइए और क्लास के सामने प्रेजेंट कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आपको खुद एक्टिविटी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ऐसे ही हमने सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाई है जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके उनकी भी हेल्प कीजिए। रेगुलर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।